अभिषेक शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभी तक पिछले क्लास में पढ़ रहे थे आव्यूह के बारे में, तो आपने आव्यूह के कोटि और क्रम के बारे में पढ़ लिया, आव्यूह का योग और अंतर पढ़ लिया, आव्यूह का गुणनफल भी पढ़ लिया। अगर उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको गुणनफल समझ में भी आ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह परिवर्त का मतलब परिवर्तित करना, तो परिवर्तित किसको करेंगे, क्योंकि आव्यूह में दो चीजें होती हैं, एक होती है पंक्ति और दूसरी होती है स्तंभ। तो मतलब यह है कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने के बाद जो आव्यूह बनेगा उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। जैसे अगर कोई आव्यूह ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आव्यूह लिखा हुआ है, तो परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह, तो ए का परिवर्त जो करेंगे तो उसे लिखेंगे ए और डैश, ऐसे छोटा सा ऊपर डैश लगा देंगे, ये परिवर्त का चिन्ह हो जाएगा। तो ए का परिवर्त आव्यूह जो होगा वो ए डैश हो जाएगा। और परिवर्त करेंगे कैसे उसे ये देख लीजिए, तो जो पंक्तियों को ले ले चाहे स्तंभ को लेके चले, तो अगर स्तंभ को लेके चलते हैं तो उसे पंक्ति के रूप में लिखना होगा, अगर पंक्ति को लेके चलते हैं तो उसे स्तंभ के रूप में लिखना होगा। जैसे पहली पंक्ति है हमारी यहां पर 1 2 3, तो हम उसे पहले स्तंभ के रूप में लिखेंगे 1 2 3। दूसरी पंक्ति है 4 5 6, तो दूसरे स्तंभ के रूप में लिखेंगे 4 5 6। फिर तीसरी पंक्ति है 7 8 9, तो तीसरे स्तंभ के रूप में 7 8 9। ये हो गया परिवर्त आव्यूह। अगर हम यहां पर पंक्तियों या जैसे पंक्तियों को लेके हमने परिवर्त किया, अगर स्तंभ को लेके परिवर्त करते तो भी यही होता। देख लीजिए एक बार, जैसे पहला स्तंभ जो था वो था 1 4 7, तो पहली पंक्ति की जगह पर 1 4 7 हो गया। दूसरा स्तंभ था 2 5 8, तो दूसरी पंक्ति की जगह पर हो गया 2 5 8। वैसे तीसरा स्तंभ है 3 6 9, जो तीसरे पंक्ति की जगह पर 3 6 9 हो जाएगा। इसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदलना और स्तंभों को पंक्तियों में बदल के जो आव्यूह लिखा जाएगा उसे कहेंगे परिवर्त आव्यूह। अच्छा, परिवर्त आव्यूह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से मतलब दो प्रकार के आव्यूह जो है परिवर्त आव्यूह, एक होता है सममित आव्यूह और दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह उसके बारे में समझ लीजिए, सममित आव्यूह का मतलब अगर कोई आव्यूह मान लेते हैं ए दिया गया है, तो अगर हम उसका परिवर्त करें मतलब ए डैश निकालें और वो दोनों बराबर हो जाएं और दोनों बराबर रहें, जैसे जो आव्यूह ए है और उसका जो परिवर्त ए डैश है दोनों बराबर हो, तो उस ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहा जाएगा। दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, अगर कोई आव्यूह ए है और उसका हम परिवर्त कर दें, ए डैश निकालें और वो उसके माइनस के गुणांक के बराबर हो जाए, तो उसे कहेंगे विषम सममित आव्यूह। मतलब अगर किसी ए आव्यूह का हम परिवर्त करें और वो ए बराबर ए माइनस ए डैश के बराबर हो जाए, तो उसे कहेंगे, ऐसे आव्यूह को कहेंगे विषम सममित आव्यूह। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो परिवर्त आव्यूह थोड़ा सा और एक बार एग्जांपल देख लीजिए जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, यदि
ए बराबर यदि ए बराबर 2 3 0 1 तथा बी बराबर 3 4 2 1 तो बी डैश ए डैश ज्ञात कीजिए। बी डैश ए डैश ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो हमें ज्ञात करना है उसमें है क्या। उसमें एक पद है बी डैश और दूसरा पद है ए डैश। बी डैश का मतलब बी आव्यूह का परिवर्त और ए डैश का मतलब होगा ए आव्यूह का परिवर्त। तो सबसे पहले हम दोनों आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालें और दोनों की गुणा कर लें, उसे कहेंगे बी डैश ए डैश। तो ए जो ए बराबर दिया है तो उससे हम पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश बराबर होगा, तो ए आव्यूह में हमने बताया था कि परिवर्त करने के लिए पंक्तियों को स्तंभ में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में लिख दिया जाता है। तो जैसे पहली पंक्ति है 2 3 तो उसे हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे 2 3, दूसरी पंक्ति है 0 1 तो 0 और 1 इस तरीके से। ये हुआ ए डैश। तो बी से बी डैश निकालें तो बी डैश बराबर यहां पर हो जाएगा 3 2 4 1। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो अब पूछा गया है कि बी डैश ए डैश बराबर, तो बी डैश चूंकि पहले है तो बी डैश का मान पहले लिखेंगे 3 2 4 1 और ए डैश का जो मान है वह है 2 0 3 1। इनकी गुणा कर लें तो कल आप लोगों ने गुणा पढ़ी है, क्योंकि हमने बताया था गुणा हर क्वेश्चन में ही आगे अब मिलेगी आपको, लगभग हर क्वेश्चन में ही होगी। तो फिर से एक बार समझते हुए लिखते हैं। हमने बताया था पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, क्लियर है? तो उसके में भी करते ये हैं, पहले पद की पहले पद के साथ और दूसरे की दूसरे के साथ, और दोनों गुणनफलों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। तो 2 3 2 6 फिर प्लस फिर 2 3 6। अब पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से हो गई तो अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे। अब इसमें आ जाए तो पहले पद की पहले के साथ और दूसरे की दूसरे के साथ, तो 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 और प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 2। अब चूंकि पहली पंक्ति की पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ या तीसरा स्तंभ है नहीं, अगर होता तो उससे भी कर लेते, तो चूंकि 2 ही थे तो पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से गुणा हो चुकी है, तो अब अगली पंक्ति लेंगे दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति की वैसे ही गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो 4 की गुणा 2 से होगी और 1 की गुणा 3 से होगी, तो 4 2 8 और 1 3 3। हमने बताया था दोनों गुणनफलों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अब दूसरी पंक्ति की अब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 4 की गुणा 1 से और 4 की गुणा 0 से और 1 की गुणा 1 से की जाएगी, तो 4 की गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 और प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1। तो ये हो जाएगा, अब इनको सिंपली जोड़ लें तो 6 और 6 12, 0 और 2 तो 2, 8 और 3 11, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1। ये हुआ बी डैश ए डैश का मान। नोट कर लीजिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठे, क्योंकि मैथ्स में जितना रिवीजन आप करते रहेंगे, जितना उसे लिखते रहेंगे, उतना आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आव्यूह चैप्टर के बाद जैसा कि एक कमेंट्स आई थी कि समाकलन के अनुप्रयोग पर, तो समाकलन हम ये सोच रहे थे आव्यूह चैप्टर जब चालू हो ही चुका है तो ये एक बार ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम समाकलन के अनुप्रयोग पर ही पहले हम वीडियो दे देंगे आप लोगों को, ठीक है? तो एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि ए बराबर
तो ये कमेंट आई थी अंशिका श्रीवास्तव की। अंशिका श्रीवास्तव ने व्हाट्सएप पे हमें कमेंट किया था, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7786042999 और कॉल करनी है तो फिर 630-740-5565 पे कॉल करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। 630-740-5565 ये कॉलिंग नंबर है, आप इस पे बात कर सकते हैं। और ये 7786042999 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो समाकलन के अनुप्रयोग पर वीडियो ये अव्यय चैप्टर के बाद दे देंगे। तो पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है ए बराबर 1, 2, 0 और दूसरी पंक्ति है 3-1, 4 3-1 और 4 और मान इन्होंने पूछा है जो वो कहाँ है, तो ए ए डैश तो ए ए डैश तथा ए डैश ए ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही कंडीशन में ए है और दूसरा ए डैश है, क्योंकि हमारे पास ए का मान यहां पर दिया हुआ है तो ए डैश हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए से ए डैश निकालेंगे तो जैसा हमने बताया था कि पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करते हैं। तो पहली पंक्ति है 1, 2, 0 उसको हम पहले स्तंभ के रूप में लिखेंगे 1, 2, 0 और दूसरी पंक्ति है 3-1 और 4 तो उसे दूसरे स्तंभ के रूप में लिखेंगे 3-1 और 4। तो ये हो गया ए डैश। अब जैसा पहले पॉइंट पे कहा गया ए इंटू ए डैश तो ए की गुणा ए डैश के साथ करनी है, क्योंकि ए पहले है तो हम पहले ए का मान लिखेंगे, पहले ए का मान लिखते हैं 1, 2, 0, 3-1, 4 और ए डैश का मान है 1, 3, 2-1, 0, 4। तो जैसा कि हमने बताया था क्योंकि ये जो आव्यूह है ये 2 × 3 का है और ये आव्यूह 3 × 2 का है, तो 3 और 3 ये देखिए दोनों संख्या सेम है तो ये मतलब इनकी गुणन इनका जो गुणनफल है वो हो जाएगा और जो आव्यूह आएगा वो 2 × 2 का होगा, 2 × 2 का इनका जो ए और ए डैश का जो गुणनफल होगा वो 2 × 2 आव्यूह का होगा। तो सिंपली गुणा कर लेते हैं इनकी, जैसे भी गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में करेंगे क्योंकि पहली पंक्ति में भी 3 पद हैं और तो पहले स्तंभ में भी इधर 3 अवयव हैं, तो पहले की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ गुणा करेंगे। तो मतलब 1 की गुणा 1 से, तो 1 हमने बताया था हर गुणनफलों के बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, तो 2 की गुणा 2 से तो +4 हो जाएगा और +0 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब पहली ही पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 2 की गुणा -1 से करेंगे तो हो जाएगा -2 और 0 की गुणा 4 से करेंगे तो +0 की गुणा किसी भी संख्या से कीजिए 0 ही आएगा। उसके बाद अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में करेंगे तो 3 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 3 × 3, उसके बाद प्लस फिर दूसरे पद के दूसरे पद के साथ तो -1 और 2 की गुणा करेंगे तो आएगा -2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो +−−, हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। अब 4 की गुणा 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 3 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर -1 की गुणा -1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा और 4 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा +4×16। सिंपली हल कर ले इसे तो हो जाएगा 4 × 1 = 5, 3 − 2 तो 1, फिर 3 − 2 फिर 1, 9 × 1 = 10 और 16 जोड़ेंगे तो 26। ये हो जाएगा ए इंटू ए डैश का मान, क्लियर हुआ। उसके बाद अगला मान इसी में पूछा है ए डैश इंटू ए, तो सबसे पहले ए डैश आगे लिखा हुआ है तो ए डैश को हम पहले लिखेंगे
ये डैश का जो मान है वो 1 3 2 -1 0 4 और इनटू ए डैश का मान है, नहीं ए का मान है 1 2 0 3 -1 4। तो देखिए इसकी गुणा होगी या नहीं, तो ये आव्यूह जो है किस कोटि का है, ये 3 × 2 का है और ये आव्यूह 2 × 3 का है। तो ये देखिए दो संख्याएं सेम मिल रही हैं, तो जो भी इनका गुणनफल आव्यूह आएगा वो 3 × 3 के कोटि का होगा, या 3 × 3 के क्रम का होगा, मतलब गुणा हो जाएगी और 3 × 3 के क्रम का जो गुणनफल है वो आव्यूह आएगा। तो सिंपली गुणा करते हैं, तो जैसा बताया था पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, तो पहले की पहले के साथ दूसरे की दूसरे के साथ, तो एक की गुणा एक से प्लस एक आएगा और प्लस 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 × 2 होगा और ये 3 की गुणा -1 से करेंगे तो आएगा -3। फिर पहली पंक्ति की दूसरे तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 की गुणा 0 से होगी तो आएगा 0 और प्लस 3 की गुणा 4 से होगी तो आ जाएगा 12। फिर चूंकि पहली पंक्ति से तीनों स्तंभों में गुणा हो चुकी है तो अगली पंक्ति लेंगे दूसरी, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 और -1 की गुणा 3 से होगी तो -3। फिर इस पहली दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 × 4 और -1 गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 की गुणा 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0 और ये -1 की गुणा 4 से करेंगे तो -4। उसी प्रकार से तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में करेंगे तो हो जाएगा 0 + 12। फिर दूसरे स्तंभ में करिए तो हो जाएगा 0 - 4। तीसरे स्तंभ में करेंगे तो जाएगा 0 + 16। इनको हल कर ले सिंपली तो हो जाएगा 9 × 1 = 10, ये -1, ये 12, ये -1, ये 5, ये -4, ये 12, -4 और 16। ये हुआ ए डैश इंटू ए का गुणनफल। नोट करते रहिए, नोट हो गया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करते रहे बच्चों, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। हमने व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर भी दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं, वहां पे समझ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है अगला दिया गया है कि ए बराबर 1 - 1 5 - 1 2 1 और 5 1 3 ये दिया गया है, और बताना है इसमें क्या, ये जो ए है जो आव्यूह है ये एक सममित आव्यूह है या नहीं, तो ये चीज बतानी है। तो हमने बताया था सममित आव्यूह ज्ञात करने के लिए, सममित आव्यूह कब होगा, जब कोई आव्यूह अपने परिवर्त के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए का परिवर्त निकाल लेते हैं, तो ए डैश बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, हमने बताया था पंक्ति को स्तंभ में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करें तो ये जाएगा 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3। तो आप देख रहे होंगे कि ए आव्यूह और ए डैश दोनों बराबर है, तो ए डैश बराबर ए है तो नीचे लिखेंगे अतः ए आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से, और ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 0 - 1 - 1 0 और 1 - 1 और 0, और कहा गया बताइए कि क्या यह एक
विषम सममित आव्यूह है। तो हमने बताया था विषम सममित आव्यूह तब होगा जब a बराबर माइनस a डैश हो जाएगा, या फिर a डैश बराबर माइनस a होगा। दोनों की चीजें हैं, बस आगे पीछे लिखी हुई है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहां पर a डैश निकाल लेंगे, मतलब a आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में या फिर स्तंभ को पंक्तियों में बदलते हैं। तो a डैश बराबर हो जाएगा 0, 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1 और 0। ये हुआ a डैश। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर 0 है, यहां पर भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 1 है लेकिन यहां -1 है, यहां -1 है, तो 1 लगभग केवल चिन्ह का ही अंतर है। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो a डैश बराबर माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि हमने बताया था आव्यूह में कुछ भी कॉमन लेना हो तो सभी पदों में कॉमन होना चाहिए, या किसी पद से गुणा करना हो तो सभी पदों में गुणा होती है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 में माइनस लीजिए या प्लस माइनस से गुणा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 ही रहेगा। -1 से माइनस निकाल दिया तो 1 बचेगा, यहां से -1 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां से 1 होगा, यहां से -1 होगा और यहां से 0 हो जाएगा। मतलब इतना सिंपल से समझिए कि माइनस कॉमन लेने से जो भी पद है उनके चिन्ह बदल जाते हैं, बस सिंपल सी चीज है। तो आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों आव्यूह बिल्कुल एक जैसे लिखे हुए हैं, बराबर हैं। तो a डैश बराबर माइनस, तो हम इस आव्यूह की जगह पर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे a डैश बराबर माइनस से आ चुका है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः आव्यूह a एक विषम सममित आव्यूह है। तो बच्चों लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, आपको वीडियो कैसा लगा है ये बताइए, और अगर कोई त्रुटियां हो तो उसे भी बता दीजिए, तो उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका दिन शुभ हो। Thank you, class.